हेलो दोस्तों, आज हम चिंतन के संदर्भ में एमसीक्यूज देखेंगे। और चिंतन की जो विचारधारा थी, जेपी गिलफोर्ड महोदय जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 1956 में विचारधारा दी थी चिंतन की। और चिंतन के संदर्भ में इन्होंने दो विचारधारा दी थी, एक था अपसारी चिंतन और एक था अभिसारी चिंतन। तो उसी संदर्भ में ये एमसीक्यूज हैं। तो पहला एमसीक्यूज देखते हैं कि प्रवाहपूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है, यानी कि किसके साथ ये क्वेश्चन संबंधित है। तो आपका जवाब होगा अपसारी चिंतन। तो जेपी गिलफोर्ड महोदय ने जो चिंतन की अवधारणा दी थी, तो उसमें अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन दो प्रकार के चिंतन की बात की थी। यानी कि अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, ओपन माइंडेड और क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया दूसरा, यानी कि अपसारी चिंतन। दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरे प्रश्न में है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो होता है अपसारी चिंतन से ही संबंधित होता है। यानी कि जो जेपी गिलफोर्ड महोदय ने 1956 में जो विचारधारा दी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि अपसारी चिंतन यानी कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, उसमें अपसारी चिंतन में ओपन माइंडेड या क्रिएटिविटी या रचनाशीलता उसमें दिखाई देती है। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो होता है अपसारी चिंतन ही होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। तो अभी हमने बताया है कि जो अपसारी चिंतन होता है उसमें सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी या कल्पनाशीलता या ओपन माइंडेड तरह के प्रश्न आते हैं। तो यानी कि आपका आंसर हो गया अपसारी चिंतन। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है समस्या का एकमात्र समाधान। अभी हमने बात की कि ओपन माइंडेड जो क्वेश्चन होते हैं वो अपसारी चिंतन होते हैं, लेकिन अगर एक ही विकल्प सीधे सीधे बात हो रही है, यानी कि वो अभिसारी चिंतन की बात हो रही है, यानी कि समस्या का एकमात्र समाधान किससे संबंधित है, वो अभिसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी समस्या के एक से अधिक हल होने पर कौन सा चिंतन होता है। तो अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में चर्चा किया था कि कभी भी अपसारी चिंतन में ओपन माइंडेड की बात होती है, यानी कि बहुत सारी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई देती है, रचनाशीलता दिखाई देती है, कल्पनाशीलता दिखाई देती है। तो एक से अधिक हल यानी कि कोई भी प्रश्न है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं। सपोज कि प्रीलिम्स का अगर कोई छात्र है तो उसमें एमसीक्यू जाते हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि कोई प्रश्न पूछा जाए सपोज कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो 4 विकल्प दे दिए जाते हैं। उसमें भारत का राष्ट्रपति यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि द्रौपदी मुर्मू अगर सपोज कि एक में है तो आंसर वही होगा। यानी कि अगर जब भी अभिसारी चिंतन की बात हो रही है तो उसमें एक ही प्रश्न का आंसर होगा, लेकिन अपसारी चिंतन में एक से अधिक प्रश्न के आंसर हो जाएंगे, यानी कि अधिक हल होने पे अपसारी चिंतन की बात होगी। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा प्रश्न है बच्चा रचनात्मक तरीके से कब सोचता है। तो अभी बात हो रही है कि अपसारी चिंतन के माध्यम से बच्चा रचनात्मक तरीके से सोचता है। सातवां प्रश्न सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मक उत्तर यानी कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि ओपन माइंडेड इसमें आंसर दिए जाते हैं, तभी सृजनात्मकता यानी कि कल्पनाशीलता या क्रिएटिविटी दिखाई देती है। आठवां प्रश्न अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान होती है, यानी कि एक ही चीज़ पे अलग अलग पैटर्न है, यानी कि उसमें क्या बात हो रही है। इसका उत्तर होगा कि बच्चे में सृजनात्मकता है, यानी कि वो अपसारी चिंतन कर रहा है। नवा प्रश्न देखते ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो आपका उत्तर होगा विश्लेषणात्मक। दसवां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य है। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना, यानी कि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम अगर निर्धारित करते हैं तो उसमें एक रचनात्मक आकलन से संबंधित कार्य किया जाएगा, क्योंकि योग्यता रचनात्मकता के माध्यम से ही प्रमाणित या परिभाषित की जा सकती है। ग्यारहवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रवाह विस्तार मौलिकता और लचीलेपन से संबंधित कारक हैं। तो आपका सही जवाब होगा अपसारी चिंतन। बारहवां प्रश्न
अब सारी चिंतन किसका परीक्षण करता है? तो ये एक व्यक्ति की विशिष्टता का परीक्षण करता है अपसारी चिंतन। 13वां प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शिक्षक श्री साजिद ने अपने छात्रों को एक दत्त कार्य दिया, शहर में उनका कार्य क्या है? शहर में ट्रैफिक जाम से कैसे बचें? शिक्षक किस प्रकार के चिंतन के बढ़ावा की बात कर रहा है? तो आपका जवाब होगा अपसारी चिंतन, यानी कि अपसारी चिंतन के माध्यम से बच्चे किसी भी प्रश्न पे एक से कई प्रकार, यानी कि अगर एक बच्चा है तो ये कई आंसर के बारे में सोचेगा, यानी कि ये अपसारी चिंतन की बात इसमें श्री साजिद कर रहे हैं। 14वें प्रश्न में है, यह प्रश्न विद्यार्थियों में किस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देगा क्योंकि यह क्या देने का मौका देता है? तो आपका सही जवाब हुआ अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन यानी कि एक यह प्रश्न विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देगा क्योंकि यह एक अनेक संभावित अपसारी में की बात हो रही। मैंने अभी बताया कि एक ही प्रश्न के ढेर सारे जवाब होते हैं, ये अपसारी चिंतन की पहचान होती है। 15वां क्वेश्चन देख, 15वां प्रश्न है कि मोनी कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है? तो आपका सही जवाब हुआ अपसारी चिंतन। अभी मैंने चर्चा की है कि एक ही प्रश्न के ढेर सारे जवाब का मतलब होता है कि वो अपसारी चिंतन की बात हो रही है, और जब एक ही समस्या ढेर सारी है और ढेर सारी समस्या का सिर्फ एक निदान, वो क्या कह रहा है? अपसारी चिंतन की बात बढ़ावा देता है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब होगा आपका अपसारी सोच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।